नाइन्थ का केमिस्ट्री पहला चैप्टर का पार्ट 42 है। इसमें क्वेश्चन है पदार्थ की अवस्थाओं के पारस्परिक परिवर्तन का उदाहरण दे। पारस्परिक का अर्थ होता है आपस में, जैसे ए और बी के बीच, या मान लो फादर और सन के बीच बहुत तगड़ा संबंध रहता है ना। दुनिया के किसी भी व्यक्ति के बीच अगर संबंध होता है तो अपनों के बीच, तो कहेंगे पिता और बेटे के बीच पारस्परिक संबंध, यानी आपस में क्या संबंध है। पारस्परिक मतलब, पारस्परिक संबंध मतलब आपस में क्या संबंध है। तो पदार्थ की अवस्थाओं के पारस्परिक परिवर्तन यानी अपने में आपस में परिवर्तन का उदाहरण दे। अब जैसे पदार्थ तो बहुत तरह के होते हैं ना। तब मान लो जल, कोई भी पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस के रूप में। अब मान लो ये जल जो है, तो पदार्थ, जल एक पदार्थ हुआ, इसका ठोस रूप है बर्फ, बर्फ भी एक पदार्थ हुआ। वास्तव में जल क्या है, बर्फ का पिघला हुआ रूप है, या ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं बर्फ का पिघला हुआ रूप जल है पानी, और पानी का गैसीय रूप क्या है, इसका वाष्प, यानी जल का वाष्प, जल वाष्प। तो एक ही पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ की अवस्थाओं के पारस्परिक परिवर्तन का उदाहरण, अब जैसे तू बर्फ ले लो, ये हो गया बीकर। बीकर अब तो हाई स्कूल सब में प्रैक्टिकल होता ही नहीं है। एक विशेष प्रकार का बर्तन होता है, इस टाइप का जग नहीं होता है, जग, मग, उसी टाइप का बर्तन होता है जिसको हम लोग बीकर कहते हैं। याद रह जाएगी बात, इसको किसी स्टैंड पर रख दो और नीचे से हीट एनर्जी दो। इसके बाद बगल में एक दूसरा स्टैंड है, इसमें इस टाइप का है, इसमें बर्फ है, ये हो गया बर्फ। इसमें एक थर्मामीटर इस स्टैंड में दे दो, यहाँ पर तुमको है 0°C, यानी 0°C से सेल्सियस, इसी तरह होते होते 1°C, 2°C, यहाँ पर मान लो 100°C है। ये गैस या स्टोव यानी हीट एनर्जी का कोई साधन है, इसमें बर्फ रख दो, एक थर्मामीटर लगा दो, थर्मामीटर का ये 0°C, यहाँ तक अगर मान लो ये पारा मरकरी यहाँ तक है, तो इसका मतलब इसका तापमान 0°C है। बर्फ में ये थर्मामीटर डाला हुआ है, तो अभी शो कर रहा है इस बर्फ का टेम्परेचर कितना है, 0°C। फिर गैस ओपन कर दो, यानी गैस का बर्नर खोल दो, गैस जलने लगा, तो ये इससे इसको हीट एनर्जी मिलने लगेगी, उष्मा ऊर्जा, तो धीरे धीरे ये पिघलना शुरू होगा। और देखो हीट हम लगातार दे रहे हैं तो थर्मामीटर का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ना। लेकिन जब तक ये पूरा बर्फ पिघल नहीं जाएगा, लगातार हम हीट दे रहे हैं, जब तक पूरा बर्फ नहीं पिघल जाएगा तब तक इसका टेम्परेचर 0°C पर ही शो करेगा। बात को समझ रहा है, जब हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए ना, लेकिन नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, इसका आंसर इस क्वेश्चन में बतलाएंगे। नहीं, तापमान नहीं बढ़ेगा, 0°C पर ही टिका रहेगा, उस समय तक टिका रहेगा जब तक संपूर्ण बर्फ जल नहीं बन जाए, पानी का रूप नहीं धारण कर ले। अब क्यों नहीं बढ़ेगा, इस सेकंड क्वेश्चन में बतलाएंगे। तो जब ये पूर्ण रूप से बर्फ पानी का रूप ले लेगा, इसके बाद फिर देखना, हम लोग गर्म करना जारी रखे हैं, तब ये 0°C, 1°C, 2°C, जो ही 100°C पर तापमान जाएगा तो ये खौलने लगेगा और वाष्प इससे तेज गति खौलेगा, वाष्प निकलने लगेगा। हम लोग लगातार गर्म कर रहे हैं लेकिन 100°C पर आकर के टेम्परेचर रुक गया है, जबकि लगातार गर्म कर रहे हैं तो टेम्परेचर 101°C, 102°C इस टाइप का बढ़ना चाहिए, क्योंकि हीट एनर्जी तो लगातार दे रहे हैं। लेकिन 100°C पर ये जो खौलने लगेगा और भाप निकलने लगेगा वेपर, तो इसका तापमान, जब तक ये पूरा पानी
बर्फ ये सॉरी जलवाष्प में नहीं बदल जाएगा तब तक इसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं। 100 डिग्री सेल्सियस पर पता चलेगा पूरा पानी भाप बन के उड़ गया, पानी बचा ही नहीं, तापमान भी नहीं बढ़ रहा है। तो बर्फ जल का ठोस रूप है पानी का, इसको हम लोग हीट एनर्जी दिए तो ये द्रव में यानी पानी में जल में बदल गया, फिर इसको हीट एनर्जी देना जारी रखे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पूरा का पूरा पानी भाप बन करके उड़ गया। तो एक ही पदार्थ का तीन रूप हुआ, बर्फ ठोस रूप हुआ, द्रव गैस रूप हुआ, बर्फ ठोस रूप हुआ जब पानी में बदल गया तो ये द्रव का रूप हुआ, और जब 100 डिग्री सेल्सियस पर पूरा भाप बन करके उड़ गया तो भापर वाष्प क्या हो गया, गैस का रूप हो गया। तो जल की तीन अवस्थाएं होती है, यानी जल एक पदार्थ है, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस द्रव और गैस। समझ गया जहां तक बात है, जब तक ये बर्फ पूरा नहीं पिघलेगा ये हीट एनर्जी देने पर तब तक 0 डिग्री सेल्सियस पर ही टेम्परेचर टिका रहेगा, और इसके बाद जब जल पूरा पूरी जल बन जाएगा, बर्फ जल का रूप ले लेगा 100%, तब इसका टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा और 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के टेम्परेचर अस्थिर हो जाएगा। जबकि हीट एनर्जी लगातार दे रहे हैं तो 101 डिग्री 102 डिग्री ऐसे बढ़ना चाहिए था, ये नहीं बढ़ेगा, पूरा का पूरा जल वाष्प बन करके उड़ जाएगा। इसके बाद ये गैस का रूप धारण कर लिया लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ा, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ा इसके पीछे भी कारण है। तो पहला क्वेश्चन का जवाब, पदार्थ की अवस्थाओं का पारस्परिक आपस में परिवर्तन कैसे होता है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस का रूप धारण करना, और उदाहरण देखो। तो लोग एक चीज बतलाओ, क्वेश्चन के रूप में हम लिख देंगे, सोना के बर्तन में लोहे को पिघलाया जा सकता है, सोचो तो कारण। सोना के बर्तन में अगर लोहे को पिघलाएंगे तो लोहा पिघलने से पहले सोना का बर्तन ही पिघल जाएगा, है ना ऐसी बात। तो जैसे जल का ठोस रूप हो गया बर्फ, तो गोल्ड जो है ये ठोस रूप हुआ, इसे जब हम लोग हीट एनर्जी देते जाएंगे इसको लोहे के बर्तन में, ये मान लो लोहा का कोई बर्तन है, इसमें हम लोग गोल्ड का टुकड़ा रख दिए, सोना का टुकड़ा, ये बर्तन है लोहा का, इसमें हीट एनर्जी देंगे, इसमें भी एक थर्मामीटर सेट कर दो, तो अभी तो ठोस है, इसको जब हम लोग गर्म करना प्रारंभ करेंगे तो एक निश्चित तापक्रम पर ये द्रव का रूप ले लेगा, और वह तापक्रम क्या है बतलाए तो बोलो तो, सोना का गलनांक कितना पर गलता है, 1064 डिग्री सेल्सियस। जब थर्मामीटर शो करेगा 1063, 1064 मान लो यहाँ है, ज्यों ही 1064 डिग्री टेम्परेचर जाएगा तो ये द्रव का रूप धारण करने लगेगा, और उस समय तक 1064 डिग्री सेल्सियस तापमान इसका रहेगा जब तक ये पूरा का पूरा नहीं द्रव का रूप धारण कर ले। जब द्रव का रूप धारण कर लेगा इसके बाद हम लोग गर्म करना जारी रखेंगे तो इसका टेम्परेचर, जब द्रव का रूप धारण कर लिया गर्म करना जारी रखेंगे तो एक समय आएगा जब ये खौलने लगेगा, और बोलो बतलाए थे किस तापमान पर ये खौलेगा, एग्जैक्ट 2700 डिग्री सेल्सियस। तो 2700 डिग्री सेल्सियस पर सोना जो द्रव का रूप धारण कर लिया 1064 डिग्री सेल्सियस पर, और 2700 डिग्री सेल्सियस तापमान जाएगा गर्म करना जारी रखेंगे तो सोना जो द्रव का रूप धारण किया है खौलने लगेगा, और ये खौलेगा तो वाष्प जो निकलेगा सोना के द्रव का ये वाष्प रहेगा। 2700 डिग्री सेल्सियस से आगे तापमान नहीं बढ़ेगा, इसी तापमान पर पिघला हुआ सोना 100% वाष्प बन जाएगा। तो सोना ठोस रूप हुआ, 1064 डिग्री तक गर्म कर 1064 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो ये पिघलना प्रारंभ करेगा, और जब संपूर्ण रूप से पिघल जाएगा तब इसका तापमान 1064 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाना शुरू करेगा, 2700 डिग्री सेल्सियस आएगा तो
तो पिघला हुआ सोना जो द्रव के रूप में है ये वाष्प के रूप में वायुमंडल में जाने लगेगा। तो जिस तापमान पर कोई पदार्थ कोई ठोस का द्रव रूप खौलने लगता है उस तापमान को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसके बाद चांदी का उदाहरण लोगे तो 1064 डिग्री सेल्सियस पर सोना द्रव का रूप धारण करता है। चांदी को कितना डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो ये द्रव का रूप धारण करेगा 962 डिग्री। चांदी का संकेत होता है Ag, पढ़ाएंगे सिल्वर हुआ ये कितना पर द्रव का रूप धारण करेगा 962 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करेंगे। तो इस टेम्परेचर पर जितना भी चांदी रखोगे ना सब चांदी पिघल करके द्रव का रूप धारण कर लेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जबकि हीट एनर्जी दे रहे हैं। ये खोलेगा कितने तापक्रम पर 2162 डिग्री सेल्सियस पर, यानी 2162 डिग्री सेल्सियस जब चांदी का चला जाएगा पिघला हुआ चांदी का, तो इसी फिक्स टेम्परेचर पर पिघला हुआ चांदी वाष्प का वेपर का रूप धारण कर लेगा। तो ठोस की यानी पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, आगे बतलाएंगे पांच अवस्था, फिलहाल याद रखो ठोस की तीन अवस्थाएं होती है, सॉरी पदार्थ की, ठोस द्रव और गैस। चांदी ठोस के रूप में है, इसको हम लोग द्रव में बदल सकते हैं, फिर चांदी के द्रव को हम लोग वाष्प के रूप में बदल सकते हैं। वाष्प को पुनः ठंडा करोगे चांदी के वाष्प को तो चांदी का द्रव बनेगा, पुनः ठंडा करते जाओगे तो वह चांदी ठोस रूप ले लेगा। जैसे बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग गर्म करना जारी रखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पूरा बर्फ पिघल करके बन गया तुमको पानी, इसको गर्म करना जारी रखेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जलवाष्प का रूप ले लेगा, यानी गैसीय रूप में आएगा। पुनः जलवाष्प को ठंडा करेंगे तो वह द्रव का रूप धारण करेगा यानी पानी का, अब पानी को पुनः ठंडा करेंगे तो ठोस का रूप धारण करेगा यानी बर्फ के रूप में बदल जाएगा। समझ गया, तो इसको हम लिख देते हैं, इसके बाद ये द्रवणांक फ्यूजन ऑफ सॉलिड इसकी चर्चा कर देते हैं। देखो इसको लिख दिए हैं, तू लोग उतार लो, दो उदाहरण दिए हैं पानी का और चांदी का, गोल्ड के बारे में बतला दिए लेकिन नहीं लिखे हैं, इसको उतार लो। ये सेकंड क्वेश्चन जो है उसको अगले पार्ट में रहने दो।